नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे अब तो कमाल हो गया, बहुत बड़ा कमाल। यहाँ पे बैंक ने एक अच्छा रिकॉर्ड देखते हुए ओनली वीडियो केवाईसी के दम पे क्रेडिट कार्ड को अप्रूव कर दिया। एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ, और कार्ड मिल गया, बड़ी अच्छी बात है कि 47,000 रुपये की समथिंग लिमिट भी आ गई एक अच्छा रिकॉर्ड के चलते। चलिए बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, डिक्लाइन हो जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मल्टीपल डिक्लाइन होता है। वो सोचते हैं सब कुछ सही था, डिक्लाइन क्यों हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखो एक्सिस बैंक हो चाहे कोई अदर बैंक हो, वो काम करती है आपके प्रोफाइल बिहाफ पे। क्योंकि आज के टाइम की बात करूं तो आप जानते हैं खुद ही कि लोगों के पास पे स्लिप आईटीआर ना के बराबर है, सबके पास पे स्लिप आईटीआर नहीं है, सब लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। कंपनी में लोग जॉब करते हैं तो कंपनी सबको जो है पे स्लिप नहीं देते हैं, तो इसलिए बैंक कंपनियां जो है अधिकतर प्रोफाइल को ही देखते हुए आपको लोन ऑफर क्रेडिट कार्ड देती है। तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स का जो स्कोर था वो काफ़ी बढ़िया 700 जो है 60 70 75 के समथिंग था, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड था। ये सारी चीज़ देखते हुए बैंक ने इन्हें अप्रूवल दे दिया और 47,000 रुपये की लिमिट मिल गई। मैंने इसके पहले आपको ओल्ड चैनल पर बताया था कि देखो बैंक अगर आपकी प्रोफाइल बैंक को अगर सही लगी, आपका व्यवहार, आपका एक लेन देन रिकॉर्ड बढ़िया लगा, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से दे देगा। बट हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे जो नहीं समझते हैं, उनके सामने बस एक ही सवाल है, हम प्रोसेस करेंगे, हमारा कार्ड अप्रूव हो कि नहीं उससे मतलब नहीं है। देखो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब होती है जब आपको ऑफर मिल जाए, आपका नुकसान ना जाए। अगर आपने अप्लाई किया, डिक्लाइन हो गया, इंक्वायरी आ गया, तो कोई मतलब नहीं बना। तो यहां पर इनकी एक अच्छे रिकॉर्ड के बिहाफ पे कार्ड अप्रूव हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है जितना हो सके प्रोफाइल पे काम करो, सिविल स्कोर को अच्छा बना के रखो, क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। मैं हर वीडियो में आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि जितना हो सके सिविल स्कोर पे ध्यान दो। देखो फाइनेंशियल लाइफ में, लोन लेने के लाइफ में, लोन लेने के सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड लेने के सिस्टम में कुछ भी आपके साथ नहीं होता है, मात्र आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है तो आपको मिल जाएगा। देखो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है वो तो एड्रेस प्रूफ के लिए हो गया, और पैन कार्ड आपकी प्रोफाइल का सिविल क्या है, कितना आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए हो गया। तो भाई मैं आपसे इतना बताना चाहूंगा कि जितना हो सके अपने सिविल, अपने क्रेडिट स्कोर पे ध्यान दो, उसको अच्छा बना, आपको मिलेगा। मैं हर बार इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि आप लोग नहीं सुनते हो। तो ये है इनके मेरे भाई का रिकॉर्ड जो मैंने आपको शेयर किया, आप बताना आपको कैसे मिला था, फिर कमेंट में जरूर शेयर करना। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अपना अच्छे से प्रोफाइल सिविल को चेक कर लें, कितना है कितना नहीं है, तब प्रोसेस करें। गैप जरूर करें 3 महीने से लेकर 6 महीने का, अगर आप करते हैं तो आपको जरूर मिलेगा। किसी की बातें सुन के, किसी की वीडियो देख के रोज मल्टीपल अप्लाई मत करो। किसी यूट्यूबर को कार्ड मिल गया तो आप ये मत सोचना कि आपको भी मिल जाएगा, हो सकता है उनको मिला है कोई और वजह हो और आपने अप्लाई किया, आपका नहीं मिला, आपका सिविल इसको खराब हो गया। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देकर जरूर चलना है। कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।